वीडियो में हम पम्प के कैविटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज सबसे कॉमनली पूछते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में भी पूछते हैं, आज वेल एज थियरी पेपर में भी इसका क्वेश्चन आते रहता है। वाइवा में भी ये पम्प कैविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। तो हम इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल पम्प एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसमें आप देख सकते हैं इसका इम्पेलर का अंदर वेपर बबल्स फॉर्म होते हैं, उसके बाद वो कोलैप्स होते हैं, तब एनर्जी रिलीज होते हैं, कैविटेशन यूज होते हैं। तो हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ बबल्स और कैविटीज इन लिक्विड। ये जो लिक्विड का अंदर वेपर बबल्स एंड कैविटीज जब फॉर्म होते हैं, जहाँ कहाँ फ्लो होते हैं, रिलेटिवली लो प्रेशर अराउंड द इम्पेलर, जहाँ लो प्रेशर होते हैं वहाँ पे इम्पेलर के साथ सामने वो क्रिएट हो जाते हैं। और जब वो जो वेपर बबल फॉर्म होता है पंप का अंदर, वो कोलैप्स होता है, एक साथ जुट जाते हैं, तो क्या होता है, ट्रिगर इंटेंस शॉक वेव्स इनसाइड होम, बहुत सारा बहुत बड़ा शॉक वेव क्रिएट होता है, नॉइस क्रिएट होता है पंप का अंदर, और वाइब्रेशन भी शुरू होते हैं। ये जो नॉइस और एनर्जी और वाइब्रेशन इसका अंदर बहुत सारा डैमेज कर लेते हैं, तो इम्पेलर को भी डैमेज करते हैं और पंप हाउस जो पंप हाउसिंग है उसका अंदर उसको भी डैमेज करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट्स क्या क्या होता है कैविटेशन की वजह से। कैविटेशन आपको समझ में आ गया, ऐसा होता है पंप का अंदर जहाँ प्रेशर लो रहते हैं वहाँ पे वेपर बबल्स और कैविटीज फॉर्म होते हैं, जब वे कोलैप्स होते थे तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज होते हैं, एनर्जीज शॉक वेव्स तरह होते हैं और इम्पेलर को भी डैमेज करते हैं, एज वेल एज उसका पंप हाउसिंग सबको डैमेज करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ डैमेज होते हैं कैविटेशन की वजह से। एक चीज़ है पंप हाउसिंग का फेलियर हो रहा है, दूसरा चीज़ है हायर पावर कंजम्पशन, जो पावर कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसका अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, तो परफॉर्मेंस नहीं मिलता है, तो ये सब चीज़ के वजह से पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। उसके बाद इम्पेलर का डिस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद एक्सेसिव वाइब्रेशन होता है, इसके वजह से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वाइब्रेशन की वजह से आपको पता है एफिशिएंसी कम होता है उसका अंदर, टियर एंड वियर ज़्यादा होते हैं, उसके ऊपर उसका परफॉर्मेंस नीचे आते हैं और नॉइस भी प्रोड्यूस होते हैं, सब अनकंफर्टेबल चीज़ होता है। उसके बाद फिफ्थ वन में होता है डिक्रीज्ड फ्लो एंड प्रेशर, ये सब वाइब्रेशन ये सब चीज़ की वजह से क्या हो सकते हैं, जो फ्लो होते हैं बाहर जो पानी जो आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं, एज वेल एज उसका प्रेशर भी बहुत कम रहता है क्योंकि अंदर वेपर बबल्स है, एनर्जी वेव्स है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये कैविटेशन का इफेक्ट्स होते हैं। तो हम देखते हैं उसको कैसे हम प्रिवेंट किया जाए कैविटेशन को। पहला चीज़ हमें करना है फिल्टर एंड स्ट्रेनर चेक करना है। फिल्टर और स्ट्रेनर तो आपको पता होगा, जो पम्प जहाँ पे अगर यहाँ पे वाटर है तो ऊपर से हम पाइप से लेके इधर स्ट्रेनर और सब चीज़ यहाँ पे रहते हैं, वहाँ से हम सक करते हैं वाटर को, तो उसका फिल्टर जो होता है उसका अंदर कुछ गंदगी नहीं होना चाहिए और स्ट्रेनर भी क्लीन होना चाहिए, वरना प्रॉपरली वाटर का सक नहीं होता है, वाटर खींच नहीं पाते। ओके, तो हमें एक क्लीन करके रखना है प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा चीज़ है उसका जो पंप का बेस्ट एफिशिएंसी जो कर्व रहता है, उस कर्व में पंप चल रहा है कि नहीं हमें हमेशा चेक करना है। अगर वो पंप मैन्युफैक्चरर बोलते हैं इसी एफिशिएंसी में चलना चाहिए कर्व में, अगर वो कर्व में थोड़ा पंप टेस्टिंग में डिफरेंस दिख रहा है तो हमें एडजस्ट करना है बेस्ट एफिशिएंसी के साथ। और हमें पाइप का डिसेंट चेक करना है, अगर पाइप का डिसेंट ढंग का नहीं है और पाथ ऑफ जो लिक्विड जहाँ रास्ते से जाते हैं वो ठीक नहीं है, उसका ऑपरेटिंग कंडीशन ठीक नहीं है, ये फॉल्टी पंप पाइप डिजाइन, ये सब चीज़ भी कैविटेशन का क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं सक्शन कैविटेशन क्या होता है। इसमें टू टाइप्स होते हैं, सक्शन कैविटेशन होता है और डिस्चार्ज कैविटेशन होता है। और सक्शन कैविटेशन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इसमें व्हेन एक पंप जब सबसे लो प्रेशर में जब वो और वैक्यूम कंडीशन में ऑपरेट करते हैं, तब क्या होता है अंदर पानी खींच नहीं पाते हैं और सबसे कम पानी में शुरू होता रहता है, इसको इसके वजह से बबल्स फॉर्म होता है, इसको सक्शन कैविटेशन बोलते हैं। और क्या क्या चीज़ से हम सक्शन कैविटेशन हो सकते हैं वो हम अभी चेक करते हैं। तो सक्शन कैविटेशन का एक चीज़ है फिल्टर, और हमने यहाँ पर डिस्कस किया फिल्टर और स्ट्रेनर प्रॉपर होना चाहिए, और दूसरा चीज़ है पाइप डिज़ाइन प्रॉपर होना चाहिए, और रेफरेंस पंप भी ठीक होना चाहिए, और पाइप का अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। ओके, और सक्शन कंडीशंस भी सही होना चाहिए, ये सक्शन कैविटेशन है। अभी दूसरा चीज़ हम डिस्कस करते हैं डिस्चार्ज कैविटेशन क्या होता है। तो डिस्चार्ज कैविटेशन होता है जब इसका डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा होता है,
मतलब एक 10% से नीचे जो एफिशिएंसी का नीचे डिस्चार्ज होते हैं, और डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा होता है तो इट इज़ बहुत ही मुश्किल है पम्प लिक्विड को बाहर पम्प करना। इसके वजह से डिस्चार्ज कैविटेशन यूज़ करते हैं। मेन कॉसेस क्या किस लिए होते हैं? एक तो फिल्टर और स्ट्रेनर का ब्लॉकेज हो सकते हैं, और पाइप का अंदर का ब्लॉक हो सकते हैं, और एफिशिएंसी कर्व का दूर चल रहा होता, और पाइपिंग डिजाइन प्रॉपर नहीं होती, इसके वजह से भी डिस्चार्ज कैविटेशन यूज़ कर सकते हैं। ये ओवरऑल आइडिया अबाउट पम्प कैविटेशन है। मैं एक और बार बताता हूँ, एक समराइज कर देता हूँ। पम्प कैविटेशन क्या होता है? जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होते हैं वहाँ पे वेपर बबल्स क्रिएट होते हैं, और जब बबल साथ में कोलाप्स होते हैं, कैविटी और बबल कोलाप्स होते हैं, तो हाई एनर्जी रिलीज हो जाते हैं। इस रिलीज एनर्जी क्या होता है, ये पूरा पम्प हाउसिंग को डैमेज करते हैं, इम्पेलर को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो सारा वाइब्रेशन और नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी और पंप का जो लाइफ है वो कम हो जाता है। ये पंप कैविटेशन है। इसका टू टाइप्स है, सक्शन कैविटेशन और डिस्चार्ज कैविटेशन है। तो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? फिल्टर और स्ट्रेनर में कोई क्लॉग नहीं है, चेक करना है हमें, और एफिशिएंसी के कारों का आसपास चलने हमें इंश्योर करना है, और पाइप डिजाइन वगैरह हमें हमेशा इंश्योर करना है, और पाइप में कोई ब्लॉकेज वगैरह है वो भी देखना है। तो दोस्तों ये पंप डिजाइन पंप कैविटेशन के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। पहले डीजल कंबशन लॉन्च होगा, देन दे आर प्लानिंग टू लॉन्च ये नया मॉडल। Thank you.